हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लव टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं। इसमें एक येस एंड नो सेशन भी होगा, जिसमें आप अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके बाद आपका जवाब होगा या तो येस में या फिर नो में। और पहले हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर जानेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, और फिर जानेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा। एंड जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपको फ्री पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। और मैं बता चुकी हूँ कि एक कार्ड्स मैंने बनाए हैं, आप लोगों को जानना है कि एक कार्ड्स अपने आप कैसे बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊँ। चार कार्ड आए हैं तो मैं चार ही लूँगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ कार्ड। अब मैं धीरे धीरे से सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगी, प्लीज़ डरिएगा नहीं। एंड क्योंकि डेथ कार्ड देख के ना सब लोग डर जाते हैं, सबको लगता है ना कि किसी की डेथ होने वाली है, ऐसा कुछ। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कार्ड्स होते हैं ना, ये सिर्फ इंसान की एनर्जी के बारे में बताते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप कैसा फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये जो डेथ कार्ड है, ये भी आपकी एनर्जी से ही रिलेट करता है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक हम देख रहे हैं डेथ कार्ड। इसमें एक्चुअली क्या है ना, इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे एक बंदा है और यहाँ पे एक गोल्डन लाइट है। इट मीन्स कि एक फेज़ ख़त्म करके दूसरे फेज़ में जाना, यहाँ से आके इस फेज़ में जाना। इट मीन्स कि आपके जो पार्टनर है उसका भी, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं कि किसी एक मेंटल स्टेट से दूसरे मेंटल स्टेट में जाना। ठीक है, जहाँ पे वो चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, तुम तो लाइक ये सब करते हो। अब वो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस बढ़ा रहे हैं, अपने माइंड के स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ये भी समझ रहे हैं कि हाँ भाई, वो ऐसा कर सकती हैं, या उनकी लाइफ है, उनके भी अपने कुछ पर्सनल डिसीजंस होते हैं, तो वो ये सब चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, वो ये चीज़ें समझ रहे हैं। एंड जो सेकंड बॉटम कार्ड है, ये देखो, एट ऑफ वॉन्स। इट मींस कम्युनिकेशन, वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आपके पास आए, आपसे बात करें। और ये लाइक एक स्पीड दर्शाता है कि बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होगी, राइट। सो अब हम कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। टू ऑफ कप्स, बेस्ट कार्ड फॉर लवर्स, राइट। कि अब रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का टाइम आ चुका है, एक दूसरे को अपने फीलिंग्स बताने का टाइम आ चुका है, एक दूसरे को इजहार करने का टाइम आ चुका है। और लाइक देखो, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को कप्स क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इट मीन्स कि अब ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और या चल नहीं रहा है तो चलने वाला है, बहुत जल्दी चलने वाला है। आपके पार्टनर आने वाले हैं प्यार का वो लेके, कप लेके आपके पास। ठीक है, एंड देखो ये है एम्प्रेस, उनकी एम्प्रेस वाली फीलिंग है। लाइक देखो, हो सकता है कि ऐसी कोई जनरल ये नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हर इंसान के पास एक फेमिनिज्म करेक्टर होता है और एक मस्कुलिन करेक्टर होता है, हर इंसान के पास होता है। उसके अंदर भी इमोशंस जो होते हैं ना, वो उसको इंसान की फेमिनिटी दर्शाते हैं। और जो आपका लाइक प्रैक्टिकलिटी होता है, लॉजिकल माइंड होता है, आपके करियर फ्यूचर वगैरह इनसे डिपेंड करता है, वो इंसान का मस्कुलिन करेक्टर होता है। ठीक है, पर ये चीज़ें दोनों में होती है। अब विमेंस में, जो विमेन होती है ना, उनके अंदर ज़्यादा होता है फेमिनिन करेक्टर, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। और जो मैन होते हैं, उनमें ज़्यादा करेक्टर होता है मस्कुलिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, लाइक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंस, इन चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं।
तो आपका पार्टनर बेशक लड़का हो या लड़की हो उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अभी वो एम्प्रेस एनर्जी में, लाइक एम्प्रेस एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है। इसमें एक खुद का तो होता ही है, खुद की सेल्फ वर्थ तो होती है, स्टिल दूसरों को नरिश करने वाली फीलिंग होती है। अब देख पा रहे हैं लाइक आपको एक नरिशमेंट देना चाहते हैं, आपको एक प्यार देना चाहते हैं, लाइक आपकी केयर करना चाहते हैं, जैसे एक मदर होती हैं से अपने चाइल्ड की बहुत अच्छे से केयर करती हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, वो समझते हैं कि आपको कैसे समझाना है, आपको कैसे लाइक आपको कैसे मनाना है। तो ये सारी चीज़ें उनकी करंट फीलिंग्स है, राइट। वो आपको चाह रहे हैं कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ आपको भी दें। टेम्परेंस का इसमें क्या है ना कि अब सारी चीज़ें होती है डिवाइन टाइम पे। इंसान के हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो ना कि अपनी समझ से परे हो या अपने कंट्रोल में ना हो, तो वो सब यूनिवर्स कराना चाह रहे हैं, डिवाइन कराना चाह रहे हैं। तो ये जो आपका रीयूनियन होगा, ये सिर्फ एक डिवाइन टाइमिंग पे होगा और वो टाइम आ भी चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये बस होने ही वाला है। एंड लाइक ये देखो, ये छोटी सी एनर्जी है जो अभी ये आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा बर्डन था, जा रहे थे सारी चीज़ों को अपने साथ लेके जा रहे थे, ठीक है। अब जाना भी है और चीज़ों को छोड़ना भी नहीं है। अरे जब मूव ऑन कर रहे हो तो भाई सारी चीज़ों को छोड़ दो। अब आप सारी चीज़ों को साथ लेके जाओगे तो आप कैसे उस चीज़ का बर्डन संभाल पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। तो अब उनका क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस एनर्जी से, इस एनर्जी के अंदर, ठीक है, टेन ऑफ वॉन्ड से एम्प्रेस के अंदर, इसमें से ये इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और शिफ्ट कैसे होंगे, डिवाइन टाइम में हो जाएंगे, राइट। और फिर आपके लिए एक वो प्रपोजल लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये अपने करंट पार्टनर की, अभी करंट है या नहीं है, लेकिन उनकी करंट फीलिंग्स अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम जानते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे थोड़ी बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रही है। आप लोग शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि भाई तुम आ जाओ हम में मिलके ना, बस रो रो के लाइक रो देंगे तुम्हारे आगे सब पे ना, अच्छे से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, चाह रहे हो इतने दिनों से कि सब सही हो जाए। एंड अपनी इतनी हैवी एनर्जी मत कीजिए प्लीज़, थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अपनी जो भी आपकी हॉबीज़ है ना, वो परस्यू करना शुरू कर दीजिए। इफ़ यू लाइक डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग बुक्स और वॉचिंग मूवी, वट एवर, आप एटलीस्ट दिन में अपना कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम, एक घंटा आधा घंटा अपनी हॉबी पे भी दीजिए। जब आप अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने लगेंगे ना, तो आपकी ये एनर्जी अपने आप लाइट होगी। और जब एनर्जी लाइट होती है ना, तब चीज़ें जल्दी जल्दी होती है। हैवी एनर्जी है ना, लाइक आपको ले डूबती है। तो ज़्यादा दुखी मत होइए। एंड टेक केयर। आपके चलो तीन कार्ड्स आए हैं, देख लास्ट का कार्ड देख रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हो, टेन ऑफ कप्स, अबंडेंस, फुलफिलमेंट, मतलब लाइफ की सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। मुझे सही में बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, प्लीज़ आप लोग खुश हो जाइए, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो सारी देखे, फैमिली एंड चिल्ड्रंस, हाउस, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, सारी चीज़ आप लोगों के पास नियर फ्यूचर आने ही वाली है। इट्स विल बी गुड, राइट, सारी चीज़ अच्छी होने वाली है। लाइक देखो, सेकंड बॉटम डेक कार्ड देखोगे ना, मैजिशियन कार्ड, भाई बहुत अच्छा कार्ड है। जो आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसी आप लाइफ में आप जो भी चाहते हो ना, वो चीज़ होने वाली है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपके कार्ड्स हम देख लेते हैं। ये है टेम्परेंस कार्ड, आपके लिए भी यही आया है। तो अब ये यही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पे हो रही है अच्छे अच्छे से, ठीक है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एंजल्स सब कुछ कर रहे हैं, वो एक प्रिपरेशन हो रही है सारी चीज़ आपके रीयूनियन के लिए।
ठीक है, तो ये सारी आप टेंशन मत लीजिए, डिवाइन टाइम पे सब बहुत अच्छा होगा। एंड देन थ्री ऑफ वंड्स, इट इज़ लाइक अबाउट ट्रैवल, क्या पता आप मिलना चाह रहे हो उनसे, या सही में चाह ही रहे होंगे उनसे मिलना, या आप कहीं दूर जाना चाह रहे हो। दूर तो क्यों जाना चाहोगे, आप उनसे मिलना ही चाहोगे, राइट, चाहते हो, या वो आपसे मिल के आए, या आप उनसे मिल के जाओ, एक ये ट्रैवल वाली फीलिंग आपके अंदर है अभी फ़िलहाल, राइट। चलो मिलना छोड़ो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, और वैसे भी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है ना कि आप लोग व्हाट्सअप कॉल चैट, यही वही बात है कि आप उनको अप्रोच करो, टेक्स्ट करो, कॉल करो, या कुछ भी करो, वो आपको अप्रोच करें, ऐसी वाली सिचुएशन है। तो आपके लिए तो यही है ना कि भाई थोड़ा पेशेंस तो आप कर ही रहे हो, राइट। अगर आप पेशेंस नहीं कर रहे हो तो आप कर लो, ये कार्ड ये कहना चाह रहा है। लेकिन जो कि आपकी करंट फीलिंग्स है, इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर्स है वो पेशेंस कर ही रहे हैं, वो जस्ट वेट कर रहे हैं कि हाँ चलो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सही हो, अपने आप सारी चीज़ें अपने पहली वाली सिचुएशन पे आए, राइट। और बिलीव मी, एक सेपरेशन बहुत कुछ चेंज कर देता है एक उसमें रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं होता कि वो सारी चीज़ें गलत वे में चेंज करता है, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में चेंज होती है। कि पहले आपको लगता था कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, या माना जाता था कि हाँ भाई कोई नहीं, क्या है, सही है जैसा चल रहा है। लेकिन जब दूर जाते हैं ना एक दूसरे से, तब एक दूसरे की बर्थ, एक दूसरे की वैल्यू समझ में आती है लाइफ में। तो वो अब आपके पास आएंगे तो आपकी वैल्यू समझेंगे, राइट, वो जानेंगे कि आपके बिना उनका कुछ नहीं होना। तो अब पेशेंस करिए, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड अगर आपका रीयूनियन होता है तो प्लीज़ यहाँ पे आके कमेंट करिएगा, ओके। सो अब हम जान लेते हैं आपका यस और नो क्वेश्चन। आप अपने आईज क्लोज करके अपने बारे कुछ भी जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आंखें बंद करके वो पूछेगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा आई विल गोना टेल यू, मैं तुम्हें वो बता दूंगी कि क्या आंसर आ रहा है, ओके okay? और उसको समझा भी दूंगी। सो यस नो, आ गया जी, इट्स अ बिग यस, ठीक है। इट कंटेन्स अ सेलिब्रेशन। तो आप जो भी पूछ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बड़ी हाँ है, जो भी आप चाह रहे हैं, हाँ जी वैसा ही होने वाला है, एक सेलिब्रेशन होने वाली है। लाइक एक सेलिब्रेशन की तो बात है ही ना, कि आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ होने वाली है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट दूंगी, तो गिफ्ट ये है ना कि मैंने कल आपको एक बताया था क्रिस्टल ट्री, जैसे ये था कल ही बताया था। एंड मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी अगर आपको ये चाहिए तो, क्योंकि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और 7 चक्रास है ना, 7 इमोशन, 7 थिंग्स, जो 7 अबंडेंस होती है उन चीज़ों के लिए होते हैं। और जो क्रिस्टल्स ट्री होते हैं, और जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये उन चीज़ों को लाइक एनहांस करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर जैसे आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, या कहीं भी जाना है, और आप ये ट्री हमेशा नहीं अपने साथ नहीं ले जा सकते, ये आप अपने घर पे रख सकते हैं सिर्फ, या अपने डेस्क पे रख सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, 7 क्रिस्टल का क्रिस्टल चक्रा का एक ब्रेसलेट आता है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसको पहन के 2400 घंटे या पूरे टाइम अपने साथ रख सकते हैं, या फिर आप उसको अपने पर्स में डाल सकते हैं कहीं बाहर जाना हो तो, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पूरे टाइम आपके साथ रहेगा, तो पूरे टाइम आपको वो अबंडेंस और वो बेनिफिट्स आपको देता रहेगा, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने भी उसको यूज़ किया है। तो मैं आपको वही चीज़ें रिकमेंड करती हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। सो और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में उसको पूछ लीजिएगा,
it. Thank you. Take care. God bless you. Bye bye.